हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लॉग। नाउ ये जो टर्म है ब्लॉग, ये डिराइव हुआ है फ्रॉम वेबलॉग, राइट? इट इज़ अ टाइप ऑफ अ वेबसाइट। ब्लॉग को हम क्या बोल सकते हैं, ये एक तरह का वेबसाइट है जिसके अंदर रेगुलर एंट्रीज होती हैं, कमेंट्रीज होती हैं या डिस्क्रिप्शन होता है रिलेटेड टू सम इवेंट, राइट? इट कैन कंटेन द ग्राफिक्स ऑल्सो, इट कैन कंटेन द वीडियोज ऑल्सो, राइट? सो इफ यू वॉन्ट टू मेंटेन योर ब्लॉग्स, यू हैव टू प्रोवाइड द कंटेंट फॉर योर ब्लॉग रिलेटेड टू एनीथिंग। ऑल राइट, नाउ ब्लॉग्स कितने तरह के हो सकते हैं? पर्सनल ब्लॉग हो सकता है, कॉरपोरेट ब्लॉग हो सकता है, या फिर मॉब ब्लॉग हो सकता है। ओके, द पर्सन हु राइट्स द ब्लॉग इज कॉल्ड अ ब्लॉगर। ओके, जो बंदा या जो पर्सन जो ब्लॉग्स लिखता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्लॉगर। ओके, नाउ जो पर्सनल ब्लॉग होता है सबसे ज़्यादा कॉमनली वही यूज़ होता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह का डायरी या कमेंट्री बोल सकते हैं विच इज़ डन बाय अ इंडिविजुअल। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यही यूज़ होता है पर्सनल ब्लॉग। ऑल राइट, नाउ व्हाई डू वी क्रिएट ब्लॉग्स, उसकी ज़रूरत क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं या क्या क्या एडवांटेजेस हैं ब्लॉग्स के, वो देखेंगे अपन, राइट? सो द फर्स्ट एडवांटेज इज़ इट अलाउज़ टू शेयर योर आइडियाज़ एंड व्यूज़। आपका ओपिनियन, आपका पॉइंट ऑफ व्यू या आपका जो आइडियाज़ होते हैं आपके, उसको शेयर कर सकते हो आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। नेक्स्ट नंबर टू इज़ चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट और चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। मतलब क्या हुआ इसका, कि इसके थ्रू, ब्लॉगिंग के थ्रू आप बहुत ही लो कॉस्ट पे अपने आइडियाज़ के थ्रू या अपने अपने एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो अपने किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। ओके, देन नंबर थ्री इज़ यू कैन स्पीक टू योर ऑडियंस डायरेक्टली। आपके जो ऑडियंस हैं या जो आपके रीडर्स हैं वो आपको फीडबैक देंगे या कमेंट्स देंगे। ओके, फोर्थ पॉइंट भी देख लीजिए, पॉजिटिव वे ऑफ गेटिंग द फीडबैक थ्रू रीडर्स कमेंट्स। मतलब आप अपने ऑडियंस के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, राइट? एंड वो एज अ फीडबैक अगर कुछ कमेंट उस पर कमेंट करेंगे, आपका जो जो भी आपका ब्लॉग है उस पर कमेंट करेंगे, तो उसके थ्रू आपको फीडबैक भी मिलेगा, राइट? तो दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ गेटिंग द पॉजिटिव फीडबैक थ्रू द रीडर्स। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर योर आइडियाज विथ योर ऑडियंस डायरेक्टली। देन द नेक्स्ट वन इज थ्रू दिस यू कैन शोकेस योर टैलेंट्स ऑल्सो। ओके, द लास्ट वन इज ब्लॉग्स मेक्स एजुकेशन डिमांड ओरिएंटेड एंड पार्टिसिपेंट सेंटर्ड। मतलब कि ब्लॉग्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, राइट? सो हम एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोज या ब्लॉग्स प्रोवाइड कर सकते हैं, तो दिस विल बी वन काइंड ऑफ यू नो ऑन डिमांड, और यू कैन से डिमांड ओरिएंटेड थिंग, and the students can participate in that, students can participate in the discussions in that, they can comment on that, also they can give their point of views regarding that or have the discussions, right? So is tarah se kya hoga, we can keep the track of education also along with this, right? So this is one way of saying demand oriented and participant centered. Okay, now सम वेबसाइट्स, ठीक है, कुछ वेबसाइट्स जिन पे हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉग्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ही कॉमन कुछ वेबसाइट्स हैं जो हम सभी जानते हैं, जैसे कि ट्विटर, सो वन ऑफ द वेबसाइट्स इज ट्विटर। नेक्स्ट इज wordpress.com, देन livejournal.com एंड द मोस्ट कॉमन इज blogger.com। ओके, तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू हम ब्लॉग्स को क्रिएट कर सकते हैं। आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, ओके, और उसके बाद आप अपने ब्लॉग्स दे सकते हैं यहाँ पे। ऑल राइट, सो आई होप द ओवरव्यू ऑफ ब्लॉग इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट इज न्यूज ग्रुप्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय न्यूज ग्रुप? अ न्यूज ग्रुप इज द कलेक्शन ऑफ मैसेजेस, नॉर्मली टेक्स्ट, पोस्टेड बाय द इंडिविजुअल्स टू अ न्यूज सर्वर मेंटेन्ड बाय द कंपनी, ग्रुप और द इंडिविजुअल्स विद इन द यूजनेट सिस्टम। मतलब क्या हुआ इसका, कि न्यूज ग्रुप बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आप न्यूज की पोस्टिंग्स डालते हो, न्यूज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालते हो जो कि टेक्स्ट के फॉर्म में होती है जनरली, ठीक है? और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ डालते हैं अपन, कैसे डालते हैं, सर्वर पे डालते हैं।
तो वो जो इन्फॉर्मेशन है किसी सर्वर या किसी पर्टिकुलर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैनेज होती है. ऑलराइट. न्यूज ग्रुप के लिए जो दूसरा टर्म या अनदर टर्म डिस्कस किया जाता है या बोला जाता है तो वो है डिस्कशन ग्रुप. ओके. तो न्यूज ग्रुप को आप डिस्कशन ग्रुप भी बोल सकते हो. और यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स जो पोस्ट डालते हैं या पोस्ट करते हैं वो अक्रॉस द ग्लोब होते हैं. कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन पोस्ट कर सकता है. ही और शी मे बी लिविंग इन एनी कंट्री. अभी वेल नोन लार्जेस्ट जो न्यूज ग्रुप है वो है यूजनेट. ओके. यूजनेट.com. ऑलराइट. एंड कुछ और हैं जैसे कि giganews.com, activenews.com, देन ethnanews.com. दीज आर सम ऑफ द कॉमनली वेल नोन न्यूज ग्रुप्स यू कैन से.